इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, एक्सरसाइज नंबर 7.2। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x अपॉन ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x इंटू में dx। सेम पीछे वाला 1900 क्वेश्चन की तरह, ये पॉजिटिव, ये प्लस आ रहा है, ये माइनस, तो जैसे t करोगे ये माइनस हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। जो नीचे वाला टर्म है उसको क्या लेना है, t e की पावर ax का a आगे आएगा, इसका a आगे आएगा, दोनों x के टर्म थे तो dx बराबर dt। क्या क्या हमारे e की पावर ax का डिफरेंशिएट होता है a e की पावर ax, तो दोनों में अगर कॉमन निकाल लूँगा तो यहाँ से e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx आएगा, उसका तो क्या हो जाएगा dt। जो दो कॉमन आया वो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। ठीक, इसको माना है नीचे वाले टर्म को, I बराबर क्या आ जाएगा 1/2 log t प्लस में c, I बराबर क्या आ जाएगा 1/2 log t के i की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस का कॉन्स्टेंट। वैसे यहाँ मोड लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि e की पावर x हमेशा पॉजिटिव ही निकलता है, e की वैल्यू कुछ भी हो तो पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ वैसे ब्रेकेट भी चल सकता है। मैंने ये मोड इसलिए लगाते क्योंकि log हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का निकलता है, तो नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव बनाने के लिए मोड लगाते हैं, बाकी ई के टर्म में दे रखा हो तो ब्रैकेट से भी चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 है उसमें दे रखा है टेन स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है आई इक्वल्स टू टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। अब टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में किसके स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अगर हमें ये याद है तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमें पता है टेन का जब अवकलन करते थे हम तो टेन का अवकलन क्या आता था, सेक स्क्वायर। तो जैसे ही सेक स्क्वायर का समाकलन करोगे तो क्या आएगा, टेन आएगा। टेन का अवकलन सेक, तो सेक का समाकलन क्या आएगा, टेन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेन को सेक में कन्वर्ट करेंगे। और हमने टेंथ क्लास में पढ़ी है सर्वसम्मी का एस थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जब मेरे को टेन स्क्वायर थीटा चाहिए होगा तो मैं क्या लिखूँगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई बराबर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा क्या है 2x माइनस 3 माइनस 1 और इंटू में डी एक्स, टेन सेक प्लस 1 ये माइनस 1, ये प्लस वन उधर गया तो माइनस वन। अब मैं सीधा से कर सकता हूँ कि जो सेक स्क्वायर थीटा होता है उसका होता है समाकलन टेन थीटा, अगर डी थीटा के रेस्पेक्ट में करें तो यहाँ से आई बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर का टेन 2x माइनस 3, कॉन्स्टेंट का क्या होता है एक्स, क्या समाकलन सही है, अभी नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक्स वेरिएबल कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई में है। हमने स्टार्टिंग में बताया अगर मल्टीप्लाई होता है कॉन्स्टेंट तो वो किस में आता है, हमेशा डिवाइड। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करते हैं 22। 22 में दे रखा है सेक स्क्वायर आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, ये हमारा क्वेश्चन है। सीधा से पता है हमें sec स्क्वायर x dx क्या होता है, इंटीग्रेशन ये होता है 10x, तो i बराबर हो जाएगा 10 7 माइनस 4x प्लस c। क्या इंटीग्रेशन सही है, सही तब होगा जब हम सबसे पहले वेरिएबल का मल्टीपल देखते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है तो जिस कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई होता है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 22। 23 करते हैं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, सोचना ही नहीं है कुछ, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट दे ही रखा है हमें, तो क्या हो जाएगा, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी, जैसे टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी। आई बराबर क्या जाएगा, इंटीग्रेशन टी डी टी, और टी का क्या होता है, टी स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट।
आई बराबर क्या हो गया, टी क्या है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई टू प्लस सी, ये हमारा आंसर। नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, साइन इनवर्स और नीचे दे रखा है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स क्या हो गया हमारा टी, क्योंकि जब आप इसका अवकलन करते हैं वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो नीचे रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हट जाएगा ना डी टी, तो ये तो हटके क्या हो गया डी टी, ये अपना टी आई, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला एन प्लस वन, तो वन प्लस वन टू और सेम पावर नीचे, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्लास में।